आज सबसे बड़ा चुनावी संग्राम होने वाला है। और आज एक तरफ दिल्ली में इंडिया अलायंस अपना शक्ति प्रदर्शन करेगा, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी ने इंडिया अलायंस की महारैली बुलाई है। दावा किया जा रहा है कि इस रैली में 26 पार्टियों के नेता शामिल होंगे। वहीं आज से प्रधानमंत्री मोदी भी अपने चुनाव प्रचार का शंखनाद करने जा रहे हैं। मेरठ में आज पीएम मोदी यूपी में एनडीए अलायंस के साथियों के साथ रैली करने जा रहे हैं और ये रैली काफी ज्यादा अहम है 2024 से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले, तो दिल्ली के रामलीला मैदान में। वहीं एनडीए अलायंस की भी महारैली है। आम आदमी पार्टी का दावा है कि महारैली में 26 पार्टियां शामिल होंगी। तो आज प्रधानमंत्री मोदी जहां पर मेरठ में शंखनाद करेंगे कैंपेन का, लेकिन दूसरी तरफ आज दिल्ली में भी काफी हलचल तेज है। इंडिया अलायंस की ओर से महारैली का आयोजन हुआ है रामलीला ग्राउंड में, जहां पर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर तमाम विपक्षी दलों के नेता इकट्ठा होंगे, जिसमें कांग्रेस, एनसीपी, आरजेडी, इसके अलावा समाजवादी पार्टी, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, ये तमाम नेता शामिल होंगे। और साथ ही यहां पर कांग्रेस की कोशिश होगी कि जिस तरह से आईटी की ओर से लगातार नोटिस आए, वो मुद्दा भी यहां उठाया जाए। और आज दिल्ली के रामलीला मैदान से इंडिया अलायंस मोदी सरकार के खिलाफ हुंकार भरने जा रहा है। चुनावों के ऐलान के बाद इंडिया अलायंस की ये पहली रैली है। इंडिया अलायंस ने इस रैली को तानाशाही हटाओ, लोकतंत्र बचाओ का नारा दिया है। और इंडिया अलायंस का दावा है कि इस रैली में 26 पार्टियों के नेता शामिल हो रहे हैं। यह रैली आम आदमी पार्टी ने बुलाई है। पार्टी की कोशिश है कि इस रैली के जरिए शराब घोटाले में गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल के पक्ष में माहौल को बनाया जाए। इंडिया अलायंस की इस रैली में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी समेत महाराष्ट्र से शरद पवार, उद्धव ठाकरे, एनसी चीफ फारूक अब्दुल्ला, एसपी नेता अखिलेश यादव, पंजाब के सीएम भगवंत मान, झारखंड के सीएम चंपाई सोरेन, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और लेफ्ट विंग से सीताराम येचुरी और डी राजा भी शामिल होंगे। और इसके साथ ही जेल में बंद हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन भी दिल्ली आ चुकी हैं, वो भी इस रैली में शामिल हो रही हैं। वहीं पश्चिमी यूपी के मेरठ में आज प्रधानमंत्री मोदी चुनावी शंखनाद करने जा रहे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी के मंच पर आज पहली बार एक साथ उत्तर प्रदेश में एनडीए के जो घटक दल हैं उनके नेता साथ में रहेंगे, जिसमें सबसे प्रमुख हैं आरएलडी के नेता जयंत चौधरी, इसके अलावा उनके साथ अनुप्रिया पटेल होंगी, ओम प्रकाश राजभर होंगे, संजय निषाद होंगे। लेकिन दूसरी तरफ जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये है दिल्ली की तस्वीर, रामलीला ग्राउंड, जहां से आम आदमी पार्टी की शुरुआत हुई थी। यहीं से अन्ना हजारे ने अनशन किया था, अन्ना हजारे ने भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम शुरू की थी, उसी से आम आदमी पार्टी निकली। और आज उसी रामलीला ग्राउंड में जिनके खिलाफ अरविंद केजरीवाल ने यहां पर नारेबाजी की थी, विरोध प्रदर्शन किया था, उन्हीं के साथ मंच साझा करेंगे उनके नेता। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं दिल्ली के रामलीला ग्राउंड की है, जहां पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पहुंच चुके हैं। लेकिन साथ ही साथ यहां पर आपको बताएं कि कांग्रेस के जो तमाम बड़े दिग्गज नेता हैं शामिल होंगे। नाम इसमें सोनिया गांधी का आ रहा है, मल्लिकार्जुन खड़गे का आ रहा है, राहुल गांधी का आ रहा है, इसके अलावा तेजस्वी यादव और साथ ही साथ उद्धव ठाकरे, शरद पवार, फारूक अब्दुल्ला, अखिलेश यादव, भगवंत मान, चंपाई सोरेन, ये तमाम वो चेहरे हैं जो इंडिया अलायंस के इससे पहले जो रैलीज हुई थी उसमें नजर आए थे। वो एक बार फिर से एकजुट होकर ना सिर्फ अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का मुद्दा उठाएंगे, लेकिन साथ ही लगातार कांग्रेस जो हमलावर है सरकार पर आईटी के समन्स को लेकर, उस मुद्दे को भी यहां उठाया जाएगा। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी आज शंखनाद करेंगे उत्तर प्रदेश में। तो आज चुनावों के ऐलान के बाद से इंडिया अलायंस की ये पहली रैली है और पार्टी की कोशिश है कि इस रैली के जरिए शराब घोटाले में गिरफ्तारी से अरविंद केजरीवाल के पक्ष में माहौल को बनाया जा सके। दिल्ली के रामलीला मैदान में अरविंद जी की गिरफ्तारी के खिलाफ एक महारैली की जा रही है। हमारे दिल्ली के और पंजाब के जो मंत्री हैं वो सभी जितने भी हमारे गेस्ट हैं, चाहे उद्धव ठाकरे जी हों, चाहे शरद पवार हों, चाहे तेजस्वी यादव हों, चाहे अखिलेश यादव जी हों, सबको एयरपोर्ट पे रिसीव करने हमने प्रोटोकॉल लगाया हुआ है और वो उनको एस्कॉर्ट करके जो है स्टेज तक लेके आएंगे। और हमारा मानना है कि सभी इंडिया गठबंधन के दल और उनके बड़े बड़े लीडर इसके अंदर शामिल होंगे और एक बड़ा मैसेज पूरे देश के अंदर जाएगा और भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चुनौती बनेगा। इंडिया अलायंस के गठन के बाद पहली बार संयुक्त रूप से रैली हो रही है। मैं इस वक्त रामलीला मैदान में हूँ और पीछे ये मंच सज चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पे
150 से 200 कुर्सियां लगाई गई हैं और विपक्ष के तमाम बड़े चेहरे आपको एक साथ नजर आ जाएंगे। यहां पे कांग्रेस से सोनिया गांधी, राहुल गांधी यहां पे नजर आएंगे, शरद पवार यहां पे नजर आ जाएंगे आपको, और इसके साथ साथ आम आदमी पार्टी के तमाम जो बड़े नेता हैं वो नजर आएंगे। बिहार से तेजस्वी यादव यहां पे उनका आना कंफर्म हो गया, और ऐसे ही देश के जितने भी इंडिया अलायंस के लीडर हैं उनमें से ममता बनर्जी और स्टालिन को छोड़ के तमाम बड़े चेहरे इस मंच पे नजर आएंगे। मंच के ठीक सामने का हिस्सा आप देखिए, ऐतिहासिक रामलीला मैदान में ये कहा जाता है कि अगर भर जाए पूरी तरह से तो 1 लाख से अधिक लोग यहाँ पे आ जाते हैं, लेकिन सिटिंग कैपेसिटी जो है उसकी इजाजत 20,000 की दी गई है यहाँ पे, और जो अरेंजमेंट किया गया है उसको अगर आप देखें तो तकरीबन आधे हिस्से में कुर्सियां लगाई गई है और बैठने का इंतजाम किया गया है। तो दिल्ली के रामलीला ग्राउंड पर आज विपक्ष की रैली की खास बात यह रहेगी कि इसमें कई पार्टियां मौजूद होंगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर यहां पर उनके पक्ष में माहौल बनाया जाएगा और बड़े सियासी मंच पर पहली बार सुनीता केजरीवाल भी यहां पर दिखेंगी। तो अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल भी आज इस मंच पर नजर आएंगी। 3 बार वो मीडिया के सामने आ चुकी है, जिस दौरान उन्होंने अरविंद केजरीवाल के संदेश को जनता के सामने रखा था, और आज वो पहला मौका होगा जब वो पॉलिटिकल किसी एक गैदरिंग में, पॉलिटिकल पार्टी की एक रैली में वो सामने नजर आएंगी। वो रिप्रेजेंट करेंगी अरविंद केजरीवाल को। अब देखना है कि जब वो आती हैं तो आज जब भाषण देंगी तो वो किन बातों को उजागर कर सकती हैं। तो हमारे सहयोगी भास्कर ज्यादा जानकारी के लिए सीधा जुड़ गए हैं दिल्ली से। भास्कर, आज पार्टी की पूरी कोशिश है कि इस रैली के जरिए शराब घोटाले में गिरफ्तारी सीएम अरविंद केजरीवाल के पक्ष में माहौल बनाया जा सके, वहां पर फिलहाल कैसी तस्वीरें सामने आ रही हैं? देखिए अभी तो शुरुआत है, लोगों का आना शुरू हुआ है, वक्त लगेगा। 10 बजे का समय दिया गया था जब कार्यकर्ता और नेता यहाँ पे पहुंचेंगे। जो दूर दराज से आ रहे हैं, खासकर पंजाब से जो कार्यकर्ता आ रहे हैं, उनका पहुंचना यहाँ पे शुरू हो गया। ठीक पीछे मंच जो है उसमें तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसी बीच ये जानकारी हमें दी गई है आधिकारिक रूप से कि सुनीता केजरीवाल जब इस मंच पे आएंगी तो वो अरविंद केजरीवाल का लिखा हुआ एक मैसेज पढ़ेंगे, यानी ईडी कस्टडी से अरविंद केजरीवाल ने एक मैसेज दिया है इस रैली के लिए, वो सुनीता केजरीवाल खुद से इस मंच से पढ़ेंगी। ये पहला मौका है सुनीता केजरीवाल किसी राजनीतिक मंच पे पहुंच रही हैं, या ये कहें कि राजनीति में उनका पदार्पण अब कहा जाएगा कि होगा। 3 बार इस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुकी है, 1-2 बार वो अरविंद केजरीवाल के लिए वोट मांग चुकी हैं, उनके विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार कर चुकी हैं, लेकिन किसी भी रैली में आज तक उन्होंने शिरकत नहीं की। कल ही हेमंत सोरेन की पत्नी जब उनसे मुलाकात करके बाहर निकली थी तभी उन्होंने ये क्लियर कर दिया था कि हम दोनों कल उस मंच पे रहेंगे, और आज ये कंफर्मेशन मिल गया है पार्टी के द्वारा कि सुनीता केजरीवाल अरविंद केजरीवाल के मैसेज को पढ़ेंगे। और यहाँ जो लोग आ रहे हैं, जो आम आदमी पार्टी के सपोर्टर्स आ रहे हैं पंजाब से या दिल्ली के जो कार्यकर्ता हैं, उनके लिए ये मैसेज होगा। खासकर अरविंद केजरीवाल ईडी के कस्टडी के अंदर से मैसेज दे रहे हैं, और ये आम आदमी पार्टी का पहले से ही स्ट्रैटेजी था कि चाहे सरकार चलाने की बात हो या जनता को संबोधित करने की बात हो, जेल के अंदर या ईडी कस्टडी में कहीं से भी कोई बाधा उत्पन्न नहीं होने वाली है, और वो एक मैसेज दिया जाएगा कि केजरीवाल अगर ईडी कस्टडी में है उसके बावजूद भी अपने कार्यकर्ताओं के बारे में सोचते हैं और उनको संबोधित करते हैं। जहां तक इस रैली की बात है तो कल एक बड़ा सवाल खड़ा किया गया था कांग्रेस के द्वारा, ये कहा गया था किसी व्यक्ति विशेष के लिए ये रैली नहीं है, ये रैली इंडिया अलायंस की है और तमाम गठबंधन जो के दल हैं वो सब एक साथ एक मंच पे उपस्थित होंगे। तो अब ये देखना होगा कि इस मंच से क्या कहा जा रहा है, क्या अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के जो नेता हैं वो अपनी पार्टी की बात कर रहे हैं, भास्कर या आपने संयुक्त स्वर में अहम पॉइंट बताया है जो कि अब यही देखना है कि एकजुट होकर एक मुद्दे पे सब बात करते हैं या फिर अपनी अपनी ही राग अलापते हैं, लेकिन साथ ही कितना आप कह सकते हैं कि ये महत्वपूर्ण वो जगह है, ये रामलीला मैदान है जहां से ही आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ था, और तब की तस्वीर आपके तस्वीर में जमीन आसमान का फर्क है, इस पर ही बात करेंगे। लेकिन उससे पहले तो मेरठ का रुख करते हैं जहां शुएब है। शुएब, आज प्रधानमंत्री मोदी कैंपेन की शुरुआत कर रहे हैं उत्तर प्रदेश से, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से। पहला मौका होगा जब आरएलडी के चीफ जयंत चौधरी मंच पर साथ होंगे, वहां पर माहौल क्या नजर आ रहा है, जो गठबंधन हुआ है उसका जमीन पर क्या रिएक्शन है, क्या असर है? बिल्कुल, देखिए लंबे वक्त के बाद है, हमें भी जो अभी मैं अगर एक तस्वीर दिखाऊं आपको, जो झंडे हैं बीजेपी के
उसके साथ आरएलडी का जो झंडे यहां पर दिखाई दे रहे हैं, सामने देखिए आपको चौधरी चरण सिंह जिनको भारत रत्न दिया गया है उनकी बड़ी जो तस्वीर है वो लगाई गई है। ये केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान है मेरठ का, जहां पर प्रधानमंत्री की रैली होनी है। हालांकि वक्त है रैली में, लेकिन ये बात सही है कि जयंत चौधरी के साथ आने के बाद जो जाट वोटर है या पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कुछ सीटें, चाहे मुजफ्फरनगर हो, बागपत हो, कैराना, सहारनपुर या फिर बिजनौर, ये तमाम जो इलाके हैं, मेरठ, ये जो तमाम सीटें हैं इन पर जरूर असर पड़ेगा। बीजेपी ये चाहती है कि 75 से भी ज्यादा जो सीटें हैं वो उसके खाते में जाए। और आज एनडीए के जितने भी घटक दल है उत्तर प्रदेश में, तमाम नेता यहाँ पर मौजूद रहेंगे एक मंच पर, चाहे अनुप्रिया पटेल हो, चाहे हम जो ओम प्रकाश राजभर की बात करते हैं, संजय निषाद की बात करते हैं, जयंत चौधरी की बात करते हैं, तमाम नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मौजूद रहेंगे और एक मैसेज देने की कोशिश की जाएगी पश्चिम से लेकर पूर्वांचल तक कि एकजुटता के साथ चुनाव लड़ा जा रहा है एनडीए में, और शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी आज की रैली को देखा जा रहा है। पश्चिम की अगर बात की जाए तो 2019 में इस पूरे इलाके में कुछ सीटों को छोड़कर, हालांकि जिस तरह से पूर्वांचल या फिर हम कहें कि जो मध्य उत्तर प्रदेश है, लखनऊ और आसपास के इलाके हैं, वहां पर जबरदस्त जीत हासिल की थी बीजेपी ने 2019 में, लेकिन रामपुर, मुरादाबाद, अमरोहा, इसके अलावा संभल और इधर सहारनपुर, ये जो सीटें हैं ये बीजेपी हार गई थी। पीएम मोदी मेरठ की रैली में तो एनडीए की एकजुटता को दिखाएंगे ही, लेकिन भास्कर इस रैली के जरिए इंडी अलायंस पर कितना दबाव पड़ने वाला है, वो कितनी कमजोर होती नजर आएगी? और नहीं साथी, और क्रेडिट लेने की क्या होड़ लग रही है भास्कर, जैसा आप बता ही रहे थे? देखिए वो आपको सीधा सीधा दिखेगा यहाँ पे रामलीला मैदान में, जो इंतजाम है वो सब आम आदमी पार्टी के द्वारा किया गया है, लेकिन जो सिटिंग कैपेसिटी है और आसपास का इलाका अगर वहां पे नजर डालें तो हर जगह कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के पोस्टर नजर आएंगे। कांग्रेस के जितने भी बड़े नेता हैं, चाहे वो सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके अलग अलग एक फोटो लगे हैं। वहीं दूसरी तरफ इस पूरे इलाके में अगर आप देखें तो फोटो के तौर पे आम आदमी पार्टी की तरफ से सिर्फ अरविंद केजरीवाल की फोटो है, और ये वो फोटो है जो डीपी लगाने के लिए अपने कार्यकर्ताओं से ये कहा गया था कि अरविंद केजरीवाल जेल में है, ये डीपी लगाएं, वही फोटो सिर्फ आम आदमी पार्टी का दिख रहा है। लेकिन अगर कांग्रेस का देखें तो प्रदेश कांग्रेस के जो नेता हैं उनकी तस्वीरें आपको नजर आ जाएंगी, और इसके साथ साथ जो सीनियर कांग्रेस की लीडरशिप है वो आपको नजर आ जाएगी इस पूरे इलाके में, न सिर्फ इस ग्राउंड के अंदर बल्कि ग्राउंड के बाहर। ऐसा लग रहा है कि इस दोनों ही पार्टियों की पोस्टर से अटा पड़ा हुआ ये पूरा इलाका, और क्रेडिट लेने की जहां तक बात है वो मंच से पता चलेगा। देखिए ये आयोजन आम आदमी पार्टी का है, इसमें कोई अच्छा, भास्कर वक्त कम है, लेकिन जो तस्वीरें हम इस वक्त देख पा रहे हैं मंच पर, देखिए अरविंद केजरीवाल की तस्वीर है, अरविंद केजरीवाल की तस्वीर में सलाखें दी हुई हैं, और यही वो मंच है जहां से अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम की शुरुआत करते हुए अपनी पार्टी की नींव रखी थी। और देखिए वक्त कैसे बदलता है, तस्वीरें भी किस तरह से बदलती हैं, अब देखना है कि आगे आखिरकार क्या होता है, क्योंकि ये जो इलेक्शंस हैं और ये तमाम जो पार्टियां इकट्ठा हो रही हैं, ये इलेक्शन तक क्या कहती है, कैसी रहती है, और इलेक्शन के बाद क्या होता है, ये भी देखना दिलचस्प रहेगा।